आज हम पढ़ेंगे जेक्यूरी एट्रीब्यूट्स, एजेक्स, एलिमेंट्स और डॉम। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट जो है वो किसी भी, जैसे आप लिखते हैं इमेज का एट्रीब्यूट SRC है, कोई भी एट्रीब्यूट सेट करना हो तो जेक्यूरी का कौन सा है? ADDR। अब कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लास 5-6, यहाँ पे मैं नई क्लास बना लेता हूँ, नया फोल्डर, क्लास सिक्स में राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, फाइल सेव एज, lesson1.html। लेसन वन क्या? HTML और एट्रीब्यूट ADDR फंक्शन। ADDR फंक्शन क्या करता है? ये पहले हम jQuery ऐड कर लें, ठीक है, ये यहाँ से jQuery, हम यहाँ से jQuery कंट्रोल सी, ये ऐड कर लें। अब एट्रीब्यूट क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक इनपुट बॉक्स लेते हैं, इनपुट टाइप करते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, नेम इज इक्वल टू नेम और वैल्यू इज इक्वल टू अली, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो आईडी है वो सेट कर लेते हैं नेम, ठीक है, और एंटर ये हम लगा लेते हैं। नाउ एक बटन लगाते हैं, बटन आईडी इज इक्वल टू BDN1, शो नेम, शो एट्रीब्यूट्स। ये शो एट्रीब्यूट्स कैसे करेगा? स्क्रिप्ट और डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और इसको मैं फंक्शन, एक फंक्शन होगा जो कि अब मैंने क्या करना है इसमें, जब BDN1 क्लिक हो कैसे लिखेंगे? नंबर साइन BDN1 डॉट क्लिक हो तो एक फंक्शन हो, उस फंक्शन का क्या नाम है? फंक्शन, एक फंक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, और वो फंक्शन क्या करेगा? अलर्ट कर दे जो आईडी है, आईडी क्या है? नेम, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बल्कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमें डॉक्यूमेंट भी लिख के दे दे, ठीक है। नेम जो है वो नेम प्लस जो आईडी है नेम डॉट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का क्या नाम है? टाइप आईडी, नेम नहीं करते हम, करते हैं आईडी, सबसे पहले आईडी जो एट्रीब्यूट आईडी, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आईडी के बाद आता है टाइप नेम डॉट एट्रीब्यूट टाइप, ठीक है। फिर आता है टाइप के बाद क्या है? नेम, तो नेम जो है वो नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। फिर हम करेंगे नेम के बाद वैल्यू जो है वो नेम डॉट एट्रीब्यूट वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, और ये शो एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट वैल्यू एट्रीब्यूट नेम, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि ये रिस्पेक्ट में कंसोल में नेम डॉट एट्रीब्यूट इज नॉट अ फंक्शन। मैं ऐसा करता हूँ
कि नेम वन इसको कर देता हूँ, ये नेम में कन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है, तो इस वजह से मैं नेम वन कर देता हूँ, इसको भी नेम वन, इसको भी नेम वन, इसको भी नेम वन। बेसिकली हम नेम वन नहीं करेंगे, हम बेसिकली ये क्यूरी कर रहे हैं ना, तो क्या होता है उसमें डॉलर नंबर साइन नेम वन, ऐसा ही है। तो ये जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो सकती है, लेकिन नेम वन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से हमने ये कर दिया नेम वन, और इसको नेम वन कर दिया। नेम वन किया। अब मैं इसको शो एट्रीब्यूट, तो आईडी नेम, अच्छा हमने बी आर नहीं लगाया हुआ, तो बी आर लगा देते, बी आर और इधर बी आर, ठीक है। तो ये जो है मैं शो एट्रीब्यूट करता हूँ, तो इनपुट बॉक्स के एट्रीब्यूट ये नेम वन है, टाइप अनडिफाइंड, ये कह रहा है अनडिफाइंड नेम वन का एट्रीब्यूट टाइप, डॉलर नेम वन है और उसका एट्रीब्यूट है टाइप, टाइप अनडिफाइंड इसको कहना नहीं चाहिए, ये टाइप है, ए डबल टी आर, मैं देख लेता हूँ, ए डबल टी आर जे क्यू, ए डबल टी आर डॉट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट ये है, ये शो नहीं है, नेम वन का नहीं, नहीं ए डबल टी आर है, ए डबल टी आर है एट्रीब्यूट, ये तो सेट एट्रीब्यूट है, क्या गलती कर रहे हैं हम, डॉलर नेम वन एट्रीब्यूट आई डी, आई डी उसने दे दिया नेम वन, लेकिन उसके बाद टाइप नहीं हुआ, नेम वन की टाइप, नेम वन की डॉलर नेम वन डॉट ए टी डी आर, यार ये तो सही कह रहे हैं, मैं देखता हूँ कि इसको कंट्रोल ऑफ शो एट्रीब्यूट्स टाइप अनडिफाइंड, नेम अनडिफाइंड, वैल्यू अनडिफाइंड, व्हाई अनडिफाइंड, बटन वन को क्लिक किया मैंने तो वन अलर्ट नेम वन डॉट टाइप, टाइप टेक्स्ट, तो ये अलर्ट में देता है, हाँ अभी चल रहा है, लेकिन मसला ये है डॉक्यूमेंट राइट में प्रॉब्लम है, तो मैं इसको करता हूँ ई, ई जो इवेंट आए, तो इवेंट में प्रीवेंट डिफॉल्ट, प्रीवेंट डिफॉल्ट, मेरे ख्याल में ये पहले ही लोड हो जाता है, होना नहीं चाहिए, ये जेक्यूरी है, इसमें होना नहीं चाहिए, नहीं ये ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इससे भी नहीं होता, तो ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम इसकी एग्जांपल नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट पे हम राइट करते हैं तो बेसिकली इसको अनडिफाइंड ये दोबारा लोड कर लेता है ना, तो हम करते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, आउटपुट करना है ना, या मैं एक एक डिव ले लेता हूँ, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक डिव ले लेता हूँ और क्लास इज इक्वल टू मैन, ठीक है,
मेन क्लास है, और मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो राइट लिखने के बजाय मैं ये जो HTML है वो डॉलर डॉट मेन डॉट मेन डॉट HTML ये जो है ये कर लूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं HTML करता हूँ इसको, ये सारे ही HTML। अब ये मसला ये है कि जो HTML में है, जो डॉलर HTML में है, जो डॉलर HTML में है, जो डॉलर HTML में ये होगा HTML, और इसको अपेंड करेंगे। अब ये थोड़ा सा इशू है कि मैं अगर मेन डॉट अपेंड करेंगे, और अपेंड जावा jQuery का फंक्शन है। ठीक है, मैं कंट्रोल सी करता हूँ और इधर मैं करता हूँ कंट्रोल मेन डॉट अपेंड और मेन डॉट अपेंड मेन डॉट अपेंड। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल आर, शो एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट नेम और एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपेंड किया है इसमें हमने बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट। थोड़ा सा अगर हम कॉन्सोल डॉट लॉग लिखें तब भी ठीक है, अगर हम HTML नहीं लिखते कॉन्सोल डॉट लॉग में भी आ सकता है, कोई भी आउटपुट का मेथड आता है। हाँ, नहीं नहीं, ये अगर आप मेन डॉट अपेंड करें, इधर भी अपेंड करें, अपेंड करें, मेन में अपेंड हो जाएगा ना, रोड़ा मेन में अपेंड हो जाएगा। आप अपेंड ना भी HTML ना भी लिखें, क्योंकि उसको कंकैटिनेट करना पड़ता है। तो डॉट मेन इसका मतलब है इसमें मैंने शो करना है, अपेंड किया ये सारे अपेंड कर लिए ये जो है ना। तो ये था हमारा शो एट्रीब्यूट्स, कैसे हम एट्रीब्यूट्स करते हैं। अब एक और बनाते हैं, लेसन टू डॉट HTML। लेसन टू डॉट HTML में हम एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट यही है, मैं इसकी वैल्यू सेट करता हूँ, इसकी वैल्यू सेट करता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, ये वैल्यू एम्प्टी है, मैं इसकी वैल्यू सेट करता हूँ। तो वैल्यू कैसे सेट करते हैं, एट्रीब्यूट के ज़रिए। हम AttR पढ़ रहे हैं ना, तो मेन में अपेंड करें क्या चीज़, नेम वन डॉट एट्रीब्यूट, जो उसकी वैल्यू है वो रख दे, फॉर एग्जांपल कामरान, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन ब्राउजर, और यहाँ पे मैं ये करूँगा तो कामरान, अच्छा आईडी मेन डॉट वैल्यू अपेंड, आईडी मैंने वो उसने इसमें अपेंड भी कर दिया, अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बेसिकली ये जो इस तरह करना है ये ज़रूरत नहीं है ये काम करने की, आईडी हमने हमें बेसिकली ये करना है कि भाई जब क्लिक हो तो एट्रीब्यूट ले वैल्यू और उसकी वैल्यू सेट कर दे कामरा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो मैं शो एट्रीब्यूट करूँगा कामरा, ये उसकी वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि इफ डॉलर नेम वन, नेम वन डॉट ATTR एट्रीब्यूट अगर इक्वल है कामरान के। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट, मैं करता हूँ डॉलर डॉट मेन, मेन में डॉट HTML लिखे आई एम कामरान, फॉर एग्जाम्पल हम ये एट्रीब्यूट अगर कामरान है तो कामरान लिखे। ठीक है, मैं राइट क्लिक करके ओपन एंड ब्राउज़र, और मैं शो एट्रीब्यूट, देयर इज सम प्रॉब्लम, नहीं नहीं ये नेम डॉट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कौन सा, वैल्यू
वैल्यू, नेम डॉट एट्रीब्यूट वैल्यू, नेम वन डॉट एट्रीब्यूट वैल्यू एंड नेम वन डॉट एट्रीब्यूट वैल्यू अगर कामरान के बराबर है, कामरान के बराबर ही है, तो मैन डॉट इन एच टी एम एल आई एम कामरान डॉलर नेम वन डॉट एट्रीब्यूट वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू कंट्रोल आ देयर इज सम प्रॉब्लम के इफ की कंडीशन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है बेसिकली, हमें कहाँ पे हमने मिस्टेक की है, ये है ये कोई अजीब, ये मेरे ख्याल में ये फालतू ब्रैकेट है, नहीं ये फंक्शन की है, और ये क्या आ गया, ये तीन क्यों है, ये दो है ना, दो होना चाहिए, ठीक है। तो आई एम कामरान, ठीक है कामरान, और ये जो है ना इसने ये नहीं। अच्छा ये एक चीज़ होगी, तो अब हम करते हैं एजेक्स। एजेक्स क्या होता है, एजेक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आप दोबारा पेज लोड नहीं करना, क्यों पेज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और अगर दोबारा लोड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सारे एलिमेंट्स को नहीं, जो चीज़ चेंज हो रही है उसको लोड करना है, जो चीज़ पेज में चेंज हो रही है उसको लोड करना है, पूरे पेज को लोड नहीं करना, तो इसके लिए एजेक्स यूज़ होता है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। अब मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, फाइल सेव एज, मैं करता हूँ एजेक्स, नहीं lesson3.html, ठीक है lesson3.html में lesson2.html ही कॉपी करता हूँ कंट्रोल कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। नाउ मैं ये करता हूँ कि बेसिकली एक बटन क्लिक पे मैं करता हूँ लोड फाइल, लोड डेटा, एक लोड डेटा का एक फंक्शन बना लेता हूँ लोड डेटा, और मैन इसी तरह रहेगा, मैं नेम वन नहीं है, अब नेम वन डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट हमारा ये नहीं है, हमने क्या करना ये है कि एक जो डॉट मैन है डॉलर डॉट मैन, यानी ये जो क्लास मैन है उसकी डॉट डॉलर मैन डॉट जो लोड मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है नई फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, फाइल सेव है, मैं कहता हूँ एजेक्स डेटा डॉट एच टी एम एल, डेटा डॉट एच टी एम एल, ये डेटा डॉट एच टी एम एल, और इसमें मैं जस्ट यू एल लिखता हूँ, एक यू एल है, और यू एल में मैं एल आई लिखता हूँ एल आई में एच टी एम एल, और इधर मैं लिखता हूँ एल आई, और एल आई में सी एस एस, और एल आई लिखता हूँ एल आई, और एल आई में जावास्क्रिप्ट, और इसकी हेडिंग भी दे देता हूँ के एच वन और डेटा, ये डेटा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर जो है मैं लोड करूँगा क्या चीज़, डेटा डॉट एच टी एम एल, तो ये लोड हो जाएगा, ठीक है ये लोड हो जाएगा, कैसे लोड होगा, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन एच टी एम एल, लोड डेटा, मैन डॉट लोड, डॉट मैन डॉट एच टी एम एल, और हम करेंगे लोड एच टी एम एल डेटा डॉट एच टी एम एल, करते हैं लोड, मैं इसको देख लेता हूँ लोड जो है, लोड डेटा लोड मेथड जेक्यू,
लोड मेथड जेक्यूरी क्या है, ये एजेक्स लोड है, यानी ये एजेक्स लगा के लोड करेगा, ठीक है। इसमें यूआरएल का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। यूआरएल डेटा कॉल बैक, ये तो मैंने ठीक लिखा हुआ है, डॉलर P1 डेमो टेस्ट डॉट टेक्स्ट डिवन डॉट लोड। तो ये मेरे ख्याल में इसमें main डॉट लोड होगा, लोड ही होता है। अब डेटा डॉट HTML हमारा कहाँ है, डेटा डॉट, हाँ हमने गलत लिखा हुआ ना, ए डेटा किया हुआ है, ए डेटा ना यार, वो उसके उस फाइल का नाम ए डेटा है, ये ए डेटा है, तो ये ए डेटा लोड करेगा ना। इसमें जाते हैं और कंट्रोल आ, लोड डेटा, ए डेटा है, ए डेटा, एक मिनट, ए डेटा डॉट HTML है, ए डेटा डॉट, बटन वन क्लिक है, बटन वन क्लिक हो तो मेन मैं लोड कर दें, ए डाटा डॉट HTML इसको करना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहा, वही वन मिनट मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, कौन सो एरर भी कोई नहीं है मेरे ख्याल में। डॉलर मेन डॉट अगर मैं ये वाली फाइल ए डाटा ये पूरा कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूं तो कब करेगा, बैक टिक और ये मैं पूरा ही पेस्ट कर देता, तो हाँ रिक्वेस्ट ब्लॉक, ओके ए डेटा डॉट मेन डॉट लोड ए डेटा डॉट HTML और ए डेटा डॉट HTML में कुछ भी नहीं है, अभी अभी रिमूव किया, पहले था ना, किसका लिंक है ना, यही है ना यही लिंक है, लोड करता है ना, क्या नहीं यार अभी देखा है, ये यही है यार, एजेंट लोड है, लोड सिंपल लोड कर रहा हूँ मैं, डॉट लोड टेक्स्ट, कहता हूँ ना कि ये जो एग्जांपल है ये इसने दी हुई है, अगर हम इस तरह करेंगे तो ये लोड होता है लेकिन शो नहीं होता, मेरी बात समझे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता, ठीक है, यही हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये लोड जो है ना, हम देखो ये डिव वन नहीं है, ये है मेन डॉट मेन, हमने डॉट मेन में करवाना है, ठीक है, लोड क्या करवाना है, ए डाटा डॉट HTML लोड करवाना है, ठीक है, अब ए डाटा डॉट HTML लोड करवाना है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट जो भी आएगा अगर रिस्पॉन्स टेक्स्ट सक्सेसफुल हो तो अलर्ट करे डाटा लोडेड, डाटा लोडेड, एरर जो है ना वो एरर आ जाएगा, ओपन एंड ब्राउज़र, लोड डेटा, एरर जीरो, एरर आ रहा है, ये कह रहा है जी कि एरर आ रहा है, बटन डॉट क्लिक, बटन नहीं है, एरर इसका है, बटन नहीं है, BTN1 है, BTN1 भी नहीं है,
बेसिकली नंबर साइन बीडियन बना है, ठीक है, कंट्रोल आर, एरर अभी भी एरर आ रहा है, ये पढ़ा हुआ है, डेटा आया हुआ है, मेन डॉट लोड ये लिंक हो जाएगा ना इसको ए डाटा डॉट ए टी एम एल में फंक्शन रिस्पॉन्स टेस्ट डाटा लोडेड स्टेटस टेक्स्ट सही नहीं आ रहा। अब ये एरर दे क्या रहा है, ये एरर जीरो कह रहा है कंसोल, अब इसने एरर दिया ए रिक्वेस्ट ब्लॉक क्रॉस ओरिजिन द सेम ओरिजिन पॉलिसी डिसअलाउज रीडिंग द रिसोर्स फाइल दिस। हाँ अब ये इशू है कि आप फाइल को रीड नहीं कर सकते इस फाइल को जो उसी में सेम ओरिजिन है सेम फोल्डर है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि HTML नहीं करता मैं इसको यार, रीनेम करके टेक्स्ट कर देता हूँ, रीनेम करके टेक्स्ट भी नहीं लोड करने दे रहा ये, मेरे ख्याल में मेरे कंप्यूटर पे जो है .txt है और इसको मैं कोई भी नहीं हो मेरे ख्याल में नहीं करने देगा ये, ठीक है ना, ये जो है हाँ फोल्डर में डाल के न्यू फोल्डर और डेटा फोल्डर बना लेते हैं और डेटा फोल्डर में ये जो है ना ये उठा के डेटा फोल्डर में मैं कंट्रोल कंट्रोल सी न्यू फाइल फाइल सेव एज डेटा डॉट ए डेटा डॉट आई टी एम एल और कंट्रोल वी, ठीक है, और इसमें मैं लेसन थ्री में बेसिकली ए डाटा किस में है डाटा में ए डाटा डाट आई टी एम एल और कंट्रोल आर लोड डाटा ए डाटा डाट आई टी एम एल है डाटा में ये मेरे ख्याल में सेम क्रॉस ओरिजिन उसका इशू आ रहा है। अगर मैं इसको उठा के मैं दूसरे ब्राउज़र में देखूं मे बी के उसमें शो हो जाए क्योंकि क्रोम जो है थोड़ा एक्सेप्ट करता है, ये देखते हैं एरर क्या एरर दिया इसने, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट दिस फ्रॉम ओरिजिन नल हैज बीन ब्लॉक्ड बाय, ये क्रॉस ओरिजिन मेरे उस पर लगा हुआ है ना इस वजह से ये शो नहीं कर रहा, तरीका कार यही है लोड ऐसे ही कर है, हाँ शो हो जाएगा आपके पे शो हो जाएगा। अच्छा अब जो है फिर है डॉम में हमने ठीक है अब हमारा जो है ना ये यार सारा ही करना था, ये सिंपल है बहुत सिंपल है सीधी सीधी चीज है, है? क्या नहीं ठीक है ये सारे करने हैं ना, ये मेथड एक एक मेथड जो है ये जब ये सारे कर लेंगे उसके बाद इसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे,